हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में राजस्व लेखपाल का जो पेपर 2015 में हुआ था वह जो है दो मीटिंग में हुआ था, यानी दो पारी में हुआ था। उसमें से मैंने जो प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था वह 100 नंबर का क्वेश्चन था, यानी 100 क्वेश्चन थे। मैंने सभी 100 क्वेश्चन को जो है अपने चैनल पर करवा दिया है। अगर आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में द्वितीय पाली के पेपर को करवाऊंगा जो लेखपाल भर्ती 2015 में एग्जाम में पूछे गए थे। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ से संबंधित जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उन 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाने वाला हूं। और दोस्तों, इससे पिछली मेरे वीडियो में मैंने हिंदी के जो 25 क्वेश्चन थे करीब वह क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने अपने चैनल पर करवा दिया है। और आप जाकर मेरे चैनल पर सभी वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर पढ़ी है। और मैं आप लोगों को सभी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर सभी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेखपाल के भर्ती जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उससे 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं, ये बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। और क्वेश्चन नंबर यह होगा 26 से लेकर 50 तक होंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों, चलते हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एक शानदार तरीके के साथ। तो दोस्तों, चलते हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 25% मूल बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है क्या इस क्वेश्चन में दोस्तों, क्या है कि एक व्यापारी है, वह व्यापारी के पास जो वस्तु है उसका जो मूल था कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य था वह 100 रुपया था, मान लेते हैं दोस्तों। तो वह व्यापारी क्या करता है, अपनी जो 100 रुपये का जो वस्तु था उसको क्या करता है 25% क्या करता है बढ़ाकर उसको अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस देता है। मार्क प्राइस देने के बाद क्या करता है व्यापारी, उसको जो है 4% डिस्काउंट पे क्या करता है वह वस्तु को बेच देता है। वस्तु को बेचने के बाद उसको कितना लाभ होता है, यही यानी लाभ प्रतिशत हमें यही निकालना है। तो क्या है दोस्तों, हम मान लेते हैं व्यापारी के पास जो वस्तु है उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वह है 100 रुपया। तो व्यापारी अब क्या करता है, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसको जो है 25% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस हो जाता है उसका कितना 125 रुपया। अब आगे व्यापारी क्या करता है, 125 रुपया जो उसका मार्क प्राइस है, अब उसने व्यापारी जो है कस्टमर को जो है 4% डिस्काउंट पे उसको बेचता है। 125 का जो 4% छूट होगा यानी 96/100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 125 हो जाएगा और 25 चौके 100, यह हो जाएगा 24 चौके 96 और 24 × 5 जो हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। तो व्यापारी क्या करता है, 4% छूट देने के बाद वह वस्तु को जो है 120 रुपये में क्या करता है उसको बेच देता है, यह हो जाता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए व्यापारी को कितना लाभ होता है, तो व्यापारी के पास जो वस्तु था उसका जो मूल्य था वह 100 रुपया था। अब 100 रुपये के बाद उस वस्तु को 120 रुपये में बेचता है तो कितना लाभ होता है, 20 रुपये का लाभ होता है। तो उसे कितना लाभ होगा, 20 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत। तो उसे जो है 20 रुपये का लाभ होता है तो यह लाभ किस पर होता है, यह लाभ जो होता है उसको क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस पर होता है। तो यह हो जाएगा 20/100, 100 रुपये पे 20 रुपये का लाभ होता है और यह लाभ प्रतिशत हो जाएगा 100, यह कटेगा तो यह हो जाएगा, यह उसे जो लाभ प्रतिशत होता है वह 20% का लाभ होता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह 20% हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि 3 संख्याओं का योगफल 392 है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात जो है 2:3 है, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इसमें क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वह 2:3 है। तो हम मान लेते हैं पहली जो संख्या है वह ए है और दूसरी जो संख्या है वह है बी है, और इसका जो अनुपात है वह है 2:3 है।
पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हो गया। इसके आगे कहता है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या हमने माना है बी और तीसरी संख्या मान लेते हैं सी, जो इनका अनुपात दिया है यह 3:8 दिया है। यह हो गया दोस्तों, सॉरी 3:8 नहीं 5:8 है दोस्तों, यह कितना 5:8 है। तो आगे क्वेश्चन में कहता है कि पहली संख्या है, क्या है, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, ए बी और सी में हमें तीनों में अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्या अनुपात निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका होता है दोस्तों, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसको हमें निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 को हम 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब हमें बी का निकालना, तो यहाँ पे 3 को 5 से गुणा करेंगे 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और यहाँ पे सी को हम 3 को 8 से गुणा करेंगे 8 × 3 = 24 हो जाएगा। यहाँ से हमें पहली दूसरी और तीसरी तीनों संख्या का अनुपात यहाँ से हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अब क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। आगे कहता है क्वेश्चन में दिया है कि तीनों जो संख्याओं का योगफल हुआ 392, यानी जो यह तीनों जो संख्याएं हैं पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो योगफल हुआ 392 है। तो पहली संख्या कितना है 10 है, दूसरी संख्या कितना 15 है और तीसरी संख्या कितना 24, इनका जो सम है वह कितना है 392। तो इनका सब हम सम करते हैं कितना आ जाएगा 24 × 15 कितना आ जाएगा 39, 10, 49। तो तीनों संख्याओं का जो यहाँ पे सम है वह कितना है 49 है, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि तीनों संख्याओं का जो योगफल वह 392 है। तो अब हम क्या करेंगे 49 को 392 के इक्वल कर लेंगे। 49 को हम 392 के इक्वल करते हैं। यहां से 1 = 392/49 इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 7 × 49 हो जाएगा, और इसको 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35 और 4 × 7 = 42 यहां से काटेंगे 8 × 7 = 56 यह 8 आ जाएगा। एक की वैल्यू जो है 8 है, तो यहां पे हमें निकालना है कि पहली संख्या, तो पहली जो संख्या वह 10 है, तो 1 = 8 है, तो 10 = कितना हो जाएगा 10 × 8 यानी 80 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 80 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन 28 यह है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो वह कौन सी संख्या है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों दो तरीका होता है। एक तरीका होता है एलसीएम मेथड से, और दूसरा तरीका है ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो पहला मेथड है एलसीएम मेथड, यह थोड़ा सा कैलकुलेटिव, यानी थोड़ा सा अगर एलसीएम मेथड से जाएंगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जब आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी, आप इस क्वेश्चन को मात्र जो होता है 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो हम दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन मेथड। एलसीएम मेथड इस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम आप लोगों को बताते हैं। तो इसमें हम पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं, सभी चारों ऑप्शन को। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है वह 9360 है, और ऑप्शन बी 9960 है, 9960 है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कितना है, ऑप्शन सी जो है 9840 है, और ऑप्शन जो डी है वह है 9620 है। और हमारे पास जो संख्याएं हमें दिया है क्वेश्चन में 24 है और 30 है और 36, यह तीन संख्याएं हैं। तो हमें इन ऑप्शन में ऐसी संख्या हमें ढूंढना, यानी हमें खोजना है जो 24 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, ऐसी हमें संख्या चारों ऑप्शन में ढूंढना है। तो ऐसे क्या है दोस्तों, यह तो 24 से अब हर संख्या से भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, यानी टफ का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे बेहतरीन तरीका अपनाते हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाजकता नियम को।
विभाजकता नियम की हेल्प से इस क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे 24 है, 24 का जो फैक्टर हम बनाएंगे तो 8 तरीक क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा, और इसका फैक्टर बनाएंगे तो यह हो जाएगा 10 गुणे 30 हो जाएगा, और इसका हम फैक्टर बनाएंगे 9 गुणे 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा तीर हमें मिल गया, सबसे बड़ा एरो 9 मिल गया, तो 9 हम तुरंत चेक करते हैं 9 से, तो यहाँ पर जो सभी संख्या अगर 9 से कट जाएंगे तो यह जो संख्या है जो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं हम 9 से चेक करते हैं कौन सी संख्या जो है 9 से कट जाएगी। तो 9 का जो विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी रूल होता है वह क्या होता है, तो डिविजिबिलिटी मतलब 9 से जो संख्या होती है, जैसे संख्या है ए बी सी, यह तीन संख्या मतलब तीन अंक की संख्या है, इसे हमें 9 से डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं तीनों संख्याओं का जो योगफल है अगर यह 9 से कट जाता तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, यही इसका कंसेप्ट है दोस्तों। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे 9 से सभी संख्या को हम चेक करते हैं, तो हम इसको पहले चेक करते हैं 9 से, देखिए कटता है, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 6 कितना 18, और 18 जो है 9 से पूर्णतः कट जाएगा, तो यह तो ऑप्शन क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। आगे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 9 9 18 18 हो गया, 18 6 कितना 24, यह संख्या 9 से नहीं कटेगा, तो यह क्या हो गया ऑप्शन गलत हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं 9 8 17 17 4 कितना 21, यह भी 9 से नहीं कटेगा, तो यह भी गलत हो गया दोस्तों। अब हम आगे चेक करते हैं 9 6 15 15 2 17, ये भी दोस्तों संख्या नहीं कटेगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, अगर आप लोगों को यह मेथड पता है ऑप्शन मेथड से, आप इस क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह तरीका अच्छा लगा होगा, और दोस्तों हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन 29 यह कहता है कि यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन का गुणांक क्रमशः 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या है, तो मानक विचलन का जो फार्मूला होता है वह होता है समूह के मानक विचलन का फार्मूला, समूह के मानक विचलन का जो फार्मूला होता है दोस्तों होता है मानक विचलन का गुणांक, मानक विचलन का, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, मानक विचलन का गुणांक और गुणे होता है माध्य होता है, यह इसका फार्मूला दोस्तों। अगर आपको यह फार्मूला पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, सिर्फ फार्मूले पे हमें वैल्यू पुट अप करना है, इसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें दिया है कि मानक विचलन का गुणांक कितना है 10 है, तो मानक विचलन का गुणांक 10 है, और माध्य दिया है कितना, माध्य दिया है 5 दिया है, और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 यह है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 x² = 23 हो तो x⁴ + 1 x⁴ का मान क्या होगा। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में x² + 1 x² = 23, तो फाइंड आउट करना है हमें x⁴ + 1 x⁴, यही हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो क्या है इसका, हम क्या करेंगे दोनों साइड का हम हो स्क्वायर कर लेंगे, यानी वर्ग कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1 x² की होल पावर मतलब स्क्वायर और 23 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों मतलब x⁴ + 1 x⁴ + 2 हो जाएगा, यहाँ से x² और 1 x² दोनों कट जाएंगे, और यहाँ से हो जाएगा 500, यह 29 हो जाएगा 23 का स्क्वायर, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x⁴ / 1 x⁴, यहाँ से आ जाएगा 500, यह 27 हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, और क्वेश्चन बहुत ही ईजी था दोस्तों। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
31 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहा था कि सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपये और संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये का कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सुरेश हैं और इधर साइड में क्या है, संदीप है। दो लोग हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो सुरेश जो है यह 5,000 रुपया जो है व्यवसाय में लगाता है, कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए, 5 माह के लिए यह लगाता है। और वहीं पे संदीप जो है 6,000 रुपये यह जो है 6 माह के लिए लगाता है। तो इसे वर्ष के अंत में कितना प्रॉफिट होगा, यह होगा 25,000। और इसे कितना मिलेगा वर्ष के अंत में, इसे मिलेगा 36,000 रुपये मिलेगा। और इनका जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो कटेगा, 3 जीरो यहाँ, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा 25:36 हो जाएगा इनके लाभ का रेशियो। तो यहाँ से अब कहता है कि वर्ष के अंत में 610 रुपये का कुल लाभ होता है, यानी संदीप और सुरेश को दोनों लोगों को मिलाकर कुल 610 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने लाभ हो रहा है, यहाँ पे सुरेश को 25 का लाभ हो रहा है और संदीप को 36, दोनों को मिला लेते हैं कितना लाभ हो जाएगा। तो 25 और 36 हो जाएगा कितना, 25 और 36 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे सुरेश और संदीप को वर्ष के अंत में 61 रुपये का लाभ हो रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 610 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 61 = कितना हो जाएगा, 610 हो जाएगा। और यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, 10 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संदीप को कितना मिला। तो संदीप को जो मिलता हुआ है 36 रुपये मिलता है, तो एक की वैल्यू 10 है, तो 36 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 रुपये वर्ष के अंत में संदीप को मिलता है। और इस क्वेश्चन का यही राइट हो जाएगा, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 को। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुतम समापवर्तक यानी एलसीएम जो है वह 300 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो हम मान लेते हैं पहली जो संख्या ए है और दूसरी संख्या जो है वह है बी है, इसका जो अनुपात है वह 3:5 दिया है, यह है 3:5। तो पहली जो संख्या है वह है, पहली जो संख्या यहाँ से आ जाएगी a = 3x और दूसरी जो संख्या वह हो जाएगी 5x हो जाएगा। अब इसका आगे कहता है कि दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वह 300 है। तो यहाँ पे देखिए यह जो है पहली जो संख्या है 3x है और दूसरी जो संख्या वह है 5x। पहली संख्या और दूसरी संख्या जब का यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो 3x और 5x का एलसीएम क्या होगा, तो 3x 5x का जो एलसीएम हो जाएगा 3×5×x हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 15x हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, 3x और 5x का एलसीएम जो हो जाएगा 15x हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो संख्या है, जो दो संख्याएं हैं इनका जो एलसीएम हुआ है 300 है, तो जबकि दो संख्याओं का यहाँ पर जो है एलसीएम है वह 15x, तो 15x = कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर पहली जो संख्या है 3×20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60, और दूसरी जो संख्या 5x है, तो 5×20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यह हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए कौन सी संख्या जो छोटी है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 100 है, तो छोटी जो संख्या है वह 60 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह है कि स्क्वायर रूट 15,612 प्लस स्क्वायर रूट 154 प्लस स्क्वायर रूट 225 का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इसमें दिया है कि स्क्वायर रूट 15,612 प्लस स्क्वायर रूट 154 प्लस स्क्वायर रूट 225 यह है।
और इसी का हमें क्या निकालना, मान निकालना, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आपको इस क्वेश्चन को क्या है राइट साइड से सॉल्व करना है। इस साइड से हम सॉल्व करते आएंगे और इस साइड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो हम इस साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 225 इसको ध्यान से देखिए, तो 225 है यह, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 225 का जो स्क्वायर रूट कितना होता है। तो आपको इसके लिए क्या है, आपको 1 से 30 तक स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो 225 है, 15 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर आप डायरेक्ट कर पाएंगे तभी। तो 225 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हो गए 15। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब देखिए 154 प्लस 15 हो जाएगा, तो 154 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 169 हो जाएगा। अब देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 जो होता है वह 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है स्क्वायर रूट 12,612 प्लस 13, यही बचता है दोस्तों। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिंपल ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा कितना 12,625 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, 12,625 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो 12,625 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं दोस्तों हम, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड से हम दो अंक पे क्या कर लेते हैं, मार्क लगा लेते हैं दो अंक। इसके बाद जो शेष अंक है 156 है, पहले देखिए 25 है, 25 के जो है अंतिम अंक क्या है, 5 है। तो 5 जो होता है किस अंक के स्क्वायर में आता है, 5 जो होता है लास्ट में जो नंबर है उस नंबर के लास्ट में जो 5 आता है वह किस नंबर के स्क्वायर से आता है, वह 5 के नंबर के स्क्वायर करेंगे तभी किसी अंक के लास्ट में 5 आता है। तो यहां से आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा, 5 हो गया। अब इसको देखिए 156, तो दोस्तों 156, अब हमें यह देखना है कि 156 है यह किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में यह लाई करेगा। तो 156 देखिए, तो यहाँ पर जब आप करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, और आप 13 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 156। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 156 जो है 144 और 169 के बीच में क्या है, बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे अब इसका आंसर क्या होगा, तो हमें अब क्या करना है कि 12 और 13 में जो छोटा होगा उसे ही लेना, बड़े को कभी नहीं लेना है। तो यहाँ पे 12 और 13 में कौन छोटा है, 12 छोटा है, और यहाँ से हमें 5 निकल के तो आ ही गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट है। दोस्तों हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को, और क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमें इसमें क्या निकालना, औसत निकालना है। तो संख्या क्या नंबर दिया है, n+1, n+2, n+3 और n+4 और आगे क्या दिया है, n+5, यानी कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे देख ले कुल कितनी संख्या है, कुल 6 संख्या, मतलब जो संख्या है कुल है वह 6 संख्या है। तो इस संख्या का क्या औसत होगा, तो औसत का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। औसत जो होता है कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, यह होता है औसत का फार्मूला। इसी फार्मूला पर हम पुटअप करेंगे तो तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, कुल संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे जितनी जिस संख्या दिया है इनका हमें सम कर लेना है। तो इनका जो सम करेंगे कितना आ जाएगा, n+1, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 इसका टोटल कितना सम आ जाएगा। तो यहाँ से यन कितना, 1, यहाँ पे यन कितना, 6 है, 6 यन हो जाएगा, प्लस 1, 2, 3 हो जाएगा, 3, 3, 6 हो जाएगा, 6, 4, 10, 10, 5, 15 हो जाएगा यह। और टोटल कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा n+15/6। इसको सॉल्व करेंगे तो यन प्लस यह आ जाएगा 3, 5, 15, 3, 2, 6। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी।
तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें औसत का फार्मूला लगाना, इसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाता। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक तरीका और बता देते हैं इसको सॉल्व करने का। तो दोस्तों अगर हमें फार्मूला याद नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कैसे विद इन 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए औसत का मतलब होता है कि 20 का टर्म, 20 की संख्या। तो यहाँ पे देखिए संख्या कितनी 6 है, तो यहाँ पे 6 है तो 6 की 20 की जो संख्या होगी वही औसत होगा। तो यहाँ क्या इसकी इस संख्या की 20 का जो नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इस साइड से चलेंगे, इस साइड से हम 2 और इस साइड से 2, इस साइड से 2 काट लेंगे, इस साइड से 2, आप बीच में जो संख्या बचती हुआ कितने n+2 n+3 बच जाती है। तो इसका जो हम सम करेंगे कितना जाएगा, 2n+ कितना जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 है 2 संख्या है तो बटा 2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 5n+5/2, यह डायरेक्ट निकल के आ जाता। यहाँ पे आप लोगों को सम नहीं करना पड़ता, यह हम तब करेंगे जब संख्या जो होगी एक सीक्वेंस फॉर्म में होगी, यानी जो संख्या होगी वह एक सीरीज में दिया होगा, तब यह मेथड लगाएंगे, अदरवाइज हम यह मेथड नहीं लगा सकते। अगर यह संख्या सीरीज में नहीं दी होती तो आप लोग इस कंसेप्ट का यूज नहीं कर सकते थे। इस कंसेप्ट का यूज तभी करेंगे जब यह संख्या क्या होगी, एक सीरीज में दी होगी। इस मेथड से आप बड़ी से बड़ी संख्या को विदिन